जोहार येरे अब एयर न्यूज 24 गोटा दिन रोका रोका खबर साम सेटर नि गोपाल किसको मीत अरदास नितो कोरोना आजार अड़ी तक के ढेर अकना ओना दिते सानाम होल को निजे ते के निजे या सावधान बो तहन मा आर निजेरा ख्याल बो दो है मा चिकते हुई दरे या आप दो भारत सरकार लगे मिट्टी होल कान बो मेन खान आप लगे तो आप ओड़ा होल मेन खान भारत सरकार लगे तो आम दो मिन होल खाना मेन खान आमा ओड़ा लगे तो आम दो जेते दुनिया खाना ओना ते बोया कोरोना आजार जहाँ तीन भूर बाय सहा खाना उन भूर निजेया ख्याल दो होते ओड़ा रिन होड़ा ख्याल दो होते बिना कमी ते बाहरे आलू पे उड़ो को आ आर सारा दिन मुंह आर मचार मांस फरो का पे आर जुदी बाहरे कुन ओड़ा पहिजु करना इन खान सेनेटाइज करते के ओड़ा दो बोलन पे तालाब खबर ताला कौन ते जा मुड़ खबर कोरोना आजार ढेरों कन कतर जिला प्रशासन ने केटे जनाए पुलिस एएसपी अड़िगान चेक पोस्टे दाना किया एसीबी टीम जादूगढ़ा थाना रनि एसआई आलोक कुमार के 8000 टका घोष हाथा तुलुज को सब के दिया डिपार्टमेंटल कमी एहो बेना आर 18 प्लस होड़ लगे बिष्टुपुर रिया पीएम मॉल रे टीका जामो ठाव डीसी एहो के आए होड़ को जामा सुविधा एसपी पोटकारे इंटर स्टेट आर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है नेल के आ लगतियाना कमी छाड़ा अथौड़ी होड़ जिला रे बाम गोलो चरे दिसे हुदिसे एम के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जट पोटकारे इंटर स्टेट सीमा जहां रसुन चोपा सुर रे मेना आ आर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट सीमा जहां हाता रे मेना आ ओना चेक पोस्ट बना रे नेल तलाश किया दाणाकान चे नेलेट ओक्तो जहां तिने गे डिपुट मजिस्ट्रेट आर पुलिस को तहनला जेते नोआ कथाय मेतत पा जे जहां तिने गे इंटर स्टेट चे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट खोन होड़ को हिजु आ लगतियाना कमी छड़ा अथोड़ी जहां गे हिजु आ उनको आ ई पास निहत गे नेल पे आ जहां ठेन ई पास बनुआ चे ई पास बाय बेसा चे बड़ी गया उनको दो संगे ओंडे खोन के रुवल लगित कथा एमा कोपे सिटी एसपी नोआ होय लई तरह हट कोआ जे अड़िगान नोकन पास में ना जे मिट्टी पास ते के अड़िगान गड़ी चे बाइक रे पास ते कार चे कार रे पास ते बाइक नोकन अड़िगान ई पास में ना जहां बेस लका नेल हुई आ जदी उनका ना में ना उनको दो संगे ओंडे खोन के भेजा रुवल कोपे सिटी एसपी जेते चेक पोस्ट चे चेक ना करे नोए में तक को जहां तिना के बाहर खन होड़ को हिजु कना उनको नुतुम ठाव मोबाइल नंबर साते नोंकन नोंकन चिन्ह होता पे जहां ते उनको जहां ते चे टाइम ते नाम लगे अब असुविधा आलो हिउमा चेक पोस्ट रे कमी रे मेना को पुलिस सर मजिस्ट्रेट नोआ होय मेतत को जे जहां तिना के बारे खन होड़ को हिजु कना उनको नोआ एकल ते लई सदर कपे जे आपे बड़ी चे बांग बड़ाए चे नोंकन रॉन्ग इंफॉर्मेशन आलोपे एमा जहां ते आपे चेतान रे आले नजर में ना आर जुदी नोंका न्यामा कना एंखन आपे चेतान रे जहां के ऐन रे कमी हुई ओना कमी चला जुदी जहां होर मिज जिला नितुम कते मिज जिला रे न्यामे ना चे इटा जायगा नितुम कते इटा जायगा रे न्यामे ना एंखन उनी चेतान रे कोरोना गाइडलाइन लेवल लांड हो रे जहां ऐन में ना ओना आ चितान रे चला साते जहां तिने के पुलिस ओडे कमी रे मना को उनको नोआ होई दिसो दिसात को आरे मेतत को जे आपे निजेरा हो रखा दो होय पे आर नोआ लेताड़ के उहिर तक का पे जे जहां आम सुर रे मनाया उन्हीं हो पाले कोरोना पॉजिटिव गया है जहां तिने के पुलिस ओडे चेक पोस्ट रे कमी को मना को जेते हो लेताड़ नोआ मेतत को जे मास्क सैनिटाइजर आ ग्लव्स होड़ो लेताड़ आलोपे हिड़िया जादूगोड़ा थाना ने सब इंस्पेक्टर एसआई आलोक कुमार दुबे 8000 टका घूस हताव तुलुज एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी टीम को साफ के दिया उनी दो पुरसुडी थाना पास्टा रे मेना सदर अस्पताल रे पैसे हताव तुलुज को साफ के दिया जहां रे मिट्टी केस मैनेज लगी पैसे हतावे तहन जहां रे माड़ांग खोन के को ताना अकन एसीबी टीम रिन मेंबर उनको उनी सब इंस्पेक्टर को साफ के दिया खबर जामो कना जे आलोक कुमार दुबे दो साल 2018 बेच रेनी जे ताहे लेना आर उनी जादूगढ़ा थाना रे 22/2021 कंड रे मामला रे नेल तोलास लगित को पोस्टेड ले दिया नोआ मामला दो संपत्ति एड़े आर अडिगान जायगा हताव रे मामला ताहे लेना जहां रे 420 आ 406 कंड नंबर ताहे लेना नोआ मामला रे हरविंदर सिंह ना नितुम ते केस ताहे लेना जहां रे 8000 टका हताव कते नोआ केस चाबा लगी कथा एमा देता है इन ताम हरविंदर पाल सिंह
ᱮᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱮᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱥᱟᱶ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱞᱳᱠ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱫᱩᱵᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢ ᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱮᱠᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱠᱮᱥ ᱥᱩᱞᱟᱹᱭᱱᱟᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱱᱤ ᱮᱥᱟᱭ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱨᱵᱤᱱᱫᱚᱨ ᱯᱟᱞ ᱥᱤᱝ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱨᱵᱤᱱᱫᱚᱨ ᱯᱟᱞ ᱥᱤᱝ ᱩᱱᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱮᱥᱤᱵᱤ ᱴᱤᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱴᱩᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱤᱮᱢ ᱦᱟᱭᱴᱮᱠ ᱢᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱤᱮᱢ ᱢᱟᱞᱴᱤᱯᱞᱮᱠᱥ ᱛᱷᱤᱭᱮᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱩᱨᱩᱵᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ 18 ᱯᱞᱟᱥ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱥᱤ ᱥᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱰᱤᱥᱤ ᱯᱤᱮᱢ ᱢᱚᱞ ᱢᱮᱱᱮᱡᱽᱢᱮᱱᱴ ᱠᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱰᱤᱥᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱷᱮᱠᱥᱤᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱭᱴᱮᱠ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱤᱱ 1000 ᱦᱚᱲ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ 1844 वर्ष के जो लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू किया है पूर्वी सिंहभूम में हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग बड़े सेंटर्स बनाएं ताकि जो लोग हैं वो एक ही जगह पे आ जाएं जो हमारे पास मानव संसाधन की सीमितता है उस मानव संसाधन की सीमितता को देखते हुए बड़े सेंटर्स बनाना श्रेयस्कर है क्योंकि कम वैक्सीनेशन टीम के साथ में कम पुलिस वाले के साथ में कम वॉलेंटियर्स के साथ में हम लोग ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकते हैं इसी दृष्टिकोण के तहत हम लोगों ने जो भी सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए हैं पूर्वी सिंहभूम जिला में वो सारे बड़े सेंटर्स हैं गर्मी का माहौल है तो कुछ ऐसे सेंटर्स जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग की एयर कंडीशनिंग की या छाँव की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो सकती थी इसीलिए हम लोगों ने पीएनएम मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स जो इनके पास 6 हैं वो हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करने के लिए दें तो हम लोगों को अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन की सुविधाएं जो है वो दिलवा सकते हैं काफ़ी कंफर्ट और सुविधाएं होंगी लोगों को पीएनएम मॉल ने बड़ी ही सरलता से हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने आज हम लोगों को अपने सारे थिएटर्स प्लस जो फ्लोर्स हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं सिक्योरिटी गार्ड और मैन पावर भी इनके द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है वो एक्सटेंड हो रही है और ये एक नया सेंटर हम लोगों के पास निकल के आया है जिसमें आज हम लोग 1000 वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इस सेंटर की कैपेसिटी एक्सटेंशन 1500 की है जो कि हम लोग आने वाले एक दो दिनों में कर लेंगे तो एक बार मैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से संपूर्ण मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोविड से जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है उसमें हम लोगों का सहयोग किया जो बैठने की सुविधा वाले मॉल्स हैं वो हम लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छे रहते हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग और जो इस तरीके के बड़े सेंटर हैं या होटल्स या कन्वेंशन हॉल जिसमें कि बड़ी कैपेसिटी है उन सारे बड़ी कैपेसिटी के चीज़ों को हम लोग यूज़ करें एक एक्सएलआई का ऑडिटोरियम भी है जिसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि और भी जो मॉल्स हैं उसमें अगर सिटिंग कैपेसिटी हम लोग इन्हांस करके इसको कर सकेंगे तो हम लोग वो करेंगे साथ ही साथ जो बड़े स्कूल्स जहाँ पर बड़े ऑडिटोरियम लॉयला की तरह जहाँ एयर कंडीशन सुविधा जो है हम लोगों के पास में है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बड़े सेंटर्स हम लोग बहुत जल्दी ही खोलेंगे ये जमशेदपुर में पहला है झारखंड में जैसा ऐसा मॉल खोला गया है क्या हाँ अभी तक जो मेरी नॉलेज है उसमें मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कहीं पे ये सपोर्ट नहीं दिया है बट हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला को ये सपोर्ट मिला है और इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत और सुविधा भी मिल रही है जी हम लोगों ने उसको भी एक्सप्लोर किया है और उन पूरे सिस्टम को भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्किंग की सुविधा चूँकि 1000 या 1500 लोगों को आना है तो पार्किंग और मैन पावर और पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट भी उसमें वो होती है साथ ही वैक्सीनेटेड टीम की तो वो सारे रिसोर्स की मैपिंग की जा रही है जैसे मैंने बोला कि और वैक्सीन जब आएंगे और रेगुलराइज हो जाएंगे तो हम लोग ऐसे बड़े सेंटर्स और स्थापित करेंगे জিলা প্রশাসন সেট খন 18-44 বয়সান হর লাগিদ টিকা জামক ঠাঁও এহব কাতে আতু দিসমরে 100% টিকা হুয়ুক রেয়া ঠৌকা হুয়ুক কানা আতু দিসমরে জুয়ান হর কো লাগিদ রেজিস্ট্রেশন কাতে টিকা হাতাও মা আর সানাম হর কো হাতাও চাবাই মা নোয়া লাগিদ আডি কুরুমোটো জিলা প্রশাসন কো ছুটোব কানা আর নোয়া তুলুজ গে বিডিও দিশা আর ডিসিয়া হুদিসতে বাগবেড়া थाना पास्टा रे सरस्वती शिशु मंदिर रे 18 प्लस होड़ को लगे टीका नामो ठाव एवं एना जहाँ रे बरसिंज रे
पुनसाय होर टीका को नामा वीडियो प्रवीण कुमार नोय लई सदर के आ जे 18 साल खन 44 साल भीतर रिन जातिन के होड़ मेना को उनको रजिस्ट्रेशन करते नोआ टीका नामो ठाव रे सुई को हटाव दड़या पनत सरकार 18 प्लस होड़ को लगी रजिस्ट्रेशन करते टीका हटाव लगी बांग पैसा ते टीका नामो रिया व्यवस्था हका है ओनते जिला रे जहां तिना गे अतु दिसम जायगा में ना ओंडेरिन सनाम 18 प्लस होड को ठेन नोय ने होरे आ जे लोगन ते लोगन आपे रजिस्ट्रेशन करते टीका सुई हाता पे प्रशासन के द्वारा 18 से 44 साल के लोगों के द्वारा के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम यहाँ पे किया गया सरस्वती शिशु मंदिर बागेरा में और ये आज भी है और कल के लिए भी है जिसमें दो पालियों में करीब 400 लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा। सभी लोगों से एलिजिबल लोगों से अनुरोध है कि वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ वैक्सीनेशन ले लें और ये अनुरोध ये भी है कि बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के 18 से 44 साल के लोगों का अभी वैक्सीनेशन राज्य सरकार के द्वारा नहीं करने का निर्देश प्राप्त है। वॉक इन में वैक्सीनेशन अभी 18 से 44 साल के लोगों का नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक करें और अपना वैक्सीनेशन नज़दीक के सेंटर में कराएं। सरकार के द्वारा सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 45 साल के लोगों को के से अधिक के लिए उनके लिए वॉकिंग की व्यवस्था की गई है। ये संभावना है कि आगे भी 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। सड़क रे अणगो एनआईडीसी मानगो रे मेडिकल स्टोर रे बांग मास्ते मेडिकल स्टोर एटेड एसेट सील बांग लगती ते दाड़न होड़ को एगेर आर चेताव ओड़ा खोन बांग ओडोक लगी होड़ ठेन अरदास। जमशेदपुर रे ढेरो कान कोरोना आजार कम होचे लगी डीसी तेहेन सड़क रे अणगो एना आर गोटा सड़क सड़क के दाणा केया नोआ दाड़न ओक्तो रे आज साव डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी सीसीआर डीएसपी पटमदा मानगो सीओ आर मानगो पुलिस थाना प्रभारी हो आज तुलुज को ताहे लेना डीसी सुरेश कुमार जेते खन मांग मानगो रेया इकन खोजोआ सीएच एरिया सेट खन सोनारी सेट ते डोबो पुले सेटे रेना ओंडे अडीगन नेल बड़ा कते मानगो सेट ए मांगेना मानगो रेया 5 नंबर रोड रे नेल के आ मिट्टी ऑप्टिकल क्लिनिक मेने दो मेन नेल लगी क्लिनिक चला कान तहन जहां बंद हो चुके हैं इन सुर रे आर हम मिट्टी क्लिनिक तहन लेना मेडिकल स्टोर तहन लेना जहां रे अडीगन होड बिना मास्क को दुड़ बिना उनको नेलते डीसी अणगोयना आर सनाम होड ओंडे खन लगा कते ओना मेडिकल स्टोर दो सील चे अटेड एसे लेकिन कथाय दो हो गया ओंडे खन डीसी सुरेज कुमार आज ओना गुली चे कुल्ही उनकाते तड़ाम तेगे दाड़ाने एहब किया उन ओक्तो ओंडे अड़ी होड़ दाड़ा बड़ा नेल केद को खान सनाम होड़ तिंगु होचो आर साप कते सक्तो एगेर आर चेताव केद कोय सावते ओना थाना रिनी थाना बाबू के हों एगेर के दिया आर नोय मेता दिया जे नोआ एरिया रे आम लेताड़ गे गस्ती चे पेट्रोलिंग लगी हेज सेन अकन तहन में किछुक होड़ को साप एन तायम ओना सुरसाट गे होड़ हाना नावा एड़े रेया को चेष्टाए तहन मेनखान अड़ी होड़ ठेन ई पास हों बाय तहन लेना उनको चला तायम खान गे होड़ आर हों सड़क रे को हेज फ्रेजना इन तायम सोझे पारडी चलावना पारडी रे जहां टेस्ट कैंप बनाव करना उन्हें टेस्ट कैंप रे जहां तीन होड़ को तहलना उनको हों अड़ी अड़ी दिशा हुदी से लई अटकवा सामते जहां तीन की नेल तलाश लगी उन्हें पुलिस में ना कुआ उनको नुआ है में तट कुआ जे जहां तीन की ई पास में ना ई पास कागज बेसलका नेल पे आर ओंडेना गाड़ी नंबर साला ओना हो मिलोत पे ओना हो नेल पे जे ओना गाड़ी रिया गे इपास कना से बांग कना सावते नोआ हो लयत कोआ जे जुदी कार ते जहां को हिजु कना कांच रिया कार रिया कांच जखन को आणगोया उंज हो ओकोय हो ओना सुर रे आलो पे ताहेना हुई दड़े ओना कार भीतर रे जहां दुड़ु बकना उनी कोरोना आजार ते चंगे चपाड़कन ओना खातिर ओना सुर रे दो ओकोय हालो पे ताहेना आर सावते ओना थाना रिनी थाना बाबू के नोआ हो कथा मेता दिया जे नोआ सुर साडगिरेन जहां तिना के धर्म गुरु आर पीस कमिटी रिन मेंबर मेना को उनको सला मिटी वर्चुअल मीटिंग दोहे में जहां ते होड ठेन नोआ अरदासो मा जे उनको ओड़ा खन आलोक ओडोको मा उपायुक्त सूरज कुमार नोआ लई के आ जे अडी धा नोका नेलकना जे अडी होड़
बाइक रिया ई पास को बनाव चौका आर ओना बाइक रिया ई पास तेगे कार हो को दाड़ना आर बांखन नौका हुई दड़ेया जे मिट्टी ई पास तेगे अड़िगान गड़ी हिजू सेनोआ बांखन जहाया आधार नंबर हो भिन चे बांग बड़ी गे ओल को आ ओनाते नौकान होर नेल चिन्हों को मा आर आको चितान रे जहां के अविन रे कमी में ना ओना कमी मा साथे नवाहो होर छेने अर्दास किया जे बिन लगते ते ओड़ा खन आलो पे ओडो को आ जुदी दोरकारा तो भेगे ओडो को पे जुदी ओड़ा खन बांग बो ओडो को आ एन खान कोरोना रे चेन बो तोपा दड़े आ आर जहां तीन गे आबो ठेन धर्जो शक्ति ता है ना एन एनांगे कोरोना आजार दो खन बो बंचा। देखिए सड़कों पे चेक नाके लगे होते हैं और फोर्सेस ज़्यादा रहती है तो उसके बाद फिर लोग सड़कों पे अमूमन जो रूल्स हैं उसका अनुपालन करते हुए नज़र आते हैं, परंतु अंदर बस्तियों में कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि लोग जो है वो कोरोना के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सड़क पे भी ऐसे ही एक वाहन को हम लोग घूमते देखे तो उसके बाद फिर जब हम लोगों ने गश्ती दल के साथ अंदर जाके देखा तो उसके बाद फिर काफ़ी लोग ऐसे पाए जो कि बाहर अननेसेसरी बिना कारणों से बैठे हुए हैं या काफ़ी यूथ लोग जो हैं वो स्कूटी में घूम रहे थे जो हम लोग को देख के भागना शुरू किए हैं। तो ये मैंने दिशा निर्देश दिया है कि इस तरीके की जितनी घनी और सघन बस्तियां हैं जहां पे ये चांसेस हैं कि वहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा होगा वहां पे उसके इंसिडेंट कमांडर और करस्पॉन्डिंग थाना प्रभारी जो है वो 4 से 5 बार अपनी गश्ती गाड़ी से गश्ती करवाएं। साथ ही साथ वहां के जितने भी प्रभुत्व लोग हैं और जितने भी धार्मिक गुरु हैं या फिर जितने भी सामाजिक स्वयंसेवी लोग हैं उन सबसे बैठक करके या वर्चुअल मीटिंग करके इमीडिएटली उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि कोरोना किस तरीके से उनके लिए हानिकारक साबित हुआ, स्पेशली मानगांव आज़ाद नगर जहाँ पे डेथ्स भी काफ़ी हुई, हम लोग की हॉटस्पॉट रहा है हमारा, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को ये इंटरनलाइज हो, ये समझ में आए कि ये जो पूरी शक्ति है ये किसी पुलिस के और उसके लिए नहीं है बल्कि आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए है। अभी हम लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड क्रिएट करने हैं तो उसके बाद फिर हम लोगों को अगर संक्रमण के दर नहीं कम करेंगे तो वो डेथ किस तरह से, तो इसीलिए फिर जरूरी है कि इसके संक्रमण को चेन को तोड़ा जाए और इसीलिए हम लोगों ने ये शक्ति बरती है और ये शक्ति जो है इसी तरीके से जारी रहेगी। ई पास जो है वो चूँकि इस बार इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट तीनों के लिए ये व्यवस्था की गई है और चूँकि सब्जी लेने वाले लोग या जो रोज़मर्रा का सामान लेने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इसलिए ऑटो अप्रूवल का सिस्टम जो है वो किया गया है, परंतु हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है वो सरकार को धोखे में नहीं रखेगा और अपने जानकारी के हिसाब से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सही जानकारी देगा। इसीलिए जब ई पास अप्रूव होता है तो उनको ये घोषणा भी करनी पड़ती है कि जितनी भी हमने जानकारी दी है वो सही है और जानकारी गलत होने पर वो खुद इसके रूप से जिम्मेदार होंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से जितने भी केस आएंगे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देके जा रहे हैं, जैसे आज भी कुछ केस पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम ने फेज वन में भी और फेज टू में भी कोरोना का बहुत बड़ा ब्रंट झेला है और जब तक मैंने पहले भी कहा है कि सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, हर एक व्यक्ति अपना फर्ज अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो इस कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार वायरस जो है वो और ज़्यादा संक्रमित करने वाला था और साथ ही साथ घातक भी था, जो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ जो है बहुत जल्दी और बहुत सडन तरीके से हो गई है। तो इसलिए फिर हम लोग को ज़रूरत है कि आज हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर मिलजुल के अपने इस पूरे ज़िले को संक्रमण मुक्त कराएँ और इसके लिए सबके सहभागिता जरूरी है। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो कोविड का गाइडलाइंस है, जो लॉकडाउन अभी किया गया है सुरक्षा सप्ताह, उन सारे चीज़ों का लोगों को अक्षरता अनुपालन करने की मैं करवद निवेदन करता हूँ और आपके सहयोग से ही हम लोग कोरोना को विजय पाएंगे। 16 मई 2021 खन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगी जहां मिनी लॉकडाउन लगावकना ओना ढेरगे केटेज आर सशक्त गया ओना माना बता हो चो खतिर पुलिस उपाधीक्षक यातायात रेया अडिगान जायगारे ई पास मांगते होर दाड़ान कान को उनकू ठेन लॉकडाउन रेया प्रोटोकॉल बांग माना बताव रेया मामलाय ओल टोल किया साउते आको चितान रे नोआ रेया जहां के जुर्माना मेना ओना होय हताव किया। टीम संघर्ष परिवार सेट खन 1200 मायांगदान हुई सतेना टीम संघर्ष परिवार अजा रिकॉर्ड बनावते सिंगल डोर प्लेटलेस मेनेत दो SDP मायांगदान ने पूरो किया। तेहेन 20 मई 2021 हिलो टीम संघर्ष श्रेणी मेंबर आर लेतार मायांगदान एमोगिज मिली भरद्वाज सेट खन तेहेन एतोहब धाव सिंगल डोर प्लेटलेस रेया मायांगदान एम कते आजा इसी धाव मायांगदान रेया रिकॉर्डे बनाव किया।
आर नवा सावते के टीम संघर्ष परिवार हो आज रिन मेंबर सला चे आजा कुरुमुटु ते बारसाय धाव प्लेटलेस मायंगदान रे रिकॉर्ड हो आजा नुतुम के दोह के आए जहां ओक्तो रे नितो कोरोना रिया नोंकान आजार रे होड़ आको ओड़ा खन ओडोको लगी नुतुम के बाको नुतुम या आर नोंकान अवस्था रे हो टीम संघर्ष सेट खन आजा लेतार कुरुमुटु ते उनी मायंगदान लगी जहां कमी होरा उछन का ओना कमी होरा रे बाय तायम कना आर नोवा हो नेलो कना जे टीम संघर्ष परिवार रिन होड़ आको ओड़ा होड़ हिड़िंग कते समाज आर दिसम लगी आकोआ गोड़ो सपोहन एम को छुटव कना तेहे मिली भरद्वाज सेट खन जहां कमी होरा हुई ना ओना टीम संघर्ष परिवार आज सेट खन अडी फैशनेबल मास्क आर अडी बेस सैनिटाइजर सावते बाहा आर शीत सकाम सावते नुतुमान स्वतंत्र सेनानी सुरेश चंद्र डे सेट खन श्रीलेदर उनिया उइहरते श्रीलेदर टीम मा मिट्टी कॉफी मग को एमाद कोआ नोआ सगुन ओक्तो रे टीम संघर्ष रिन जेते मेंबर चे ढेर ओकोज मेंबर आर जहां तिनक गे ऑफिसर सावते ब्लड बैंक रिन डॉक्टर आर टेक्नीशियन हो सेलेट को ताहे लेना मेरा नाम मिली भारद्वाज जी है। मैं जमशेदपुर ब्लड बैंक की रेगुलर ब्लड डोनर हूँ। अभी तक मैंने 17 से 18 बार रेगुलर ब्लड डोनेट किया है। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स ये करूँ, डोनेट करूँ, बट मौका ही नहीं लग रहा। आज बहुत खुशी फील हो रही है कि मुझे आज ये मौका मिला है और मैं इस टाइम पर आके अपना ब्लड डोनेट कर पा रही हूँ। इसके लिए अरिजीत दा को और सारे ब्लड बैंक के स्टाफ को वेरी वेरी थैंक यू। और आप सब लोग भी आगे आइए और अपना ब्लड डोनेट कीजिए, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डोनेट करने से ही लोग के इस्तेमाल में आएगी। ये पूरी मशीन नहीं बना सकती। मायन खान तेहल लगी तो इनका के गापा आर हो ठीक नवा तो नवा चैनल लगी बन जापा माँ गोटा दिन रिया रोका खबर साँव जोहार।